दिल्ली सचिवालय के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला, पैर छूने के बहाने झुके शख्स ने फेंक दिया मिर्च पाउडर। हमले में मुख्यमंत्री केजरीवाल का टूट गया चश्मा, आंखों में मिर्च पाउडर लगा। मिर्च फेंकने वाले अनिल शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया, आम आदमी पार्टी ने हमले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया। छत्तीसगढ़ में ईवीएम में कैद हुई नेताओं की किस्मत, 72 सीटों पर मतदान, करीब 75% लोगों ने डाले वोट। वोटिंग के दौरान कई जगह ईवीएम में खराबी की शिकायत, कांग्रेस का आरोप, जहां कांग्रेस मजबूत वहीं ईवीएम हुई खराब। सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा का जवाब मीडिया में लीक होने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, कोर्ट ने पूछा कैसे लीक हुई रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर आलोक वर्मा के वकील का जवाब, कहा उन्हें खुद इस बात की जानकारी नहीं कि रिपोर्ट कैसे बाहर आई। सुप्रीम कोर्ट की गंभीर टिप्पणी, वकील से कहा लगता है आप में सुनवाई के लायक नहीं, अदालत ने 29 नवंबर तक टाल दी सुनवाई। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा यह मामला सुनना नामुमकिन, क्योंकि हर एक पक्ष एक दूसरे को की करा रहा है जासूसी। सुनवाई टलने के बाद फली नरिमन ने अदालत से मांगा दोबारा वक्त, सफाई में कहा मीडिया रिपोर्ट में सीवीसी में दाखिल आलोक वर्मा का जवाब हुआ लीक। मीडिया एजेंसी की सफाई का उनकी रिपोर्ट का स्रोत सीवीसी में दाखिल किया गया आलोक वर्मा का जवाब। सिख विरोधी दंगों में 34 साल बाद सजा, यशपाल को फांसी, नरेश को उम्र कैद, तिहाड़ जेल में सुनाई गई सजा। ओवैसी का राहुल पर बड़ा आरोप, बोले राहुल ने कपिल सिब्बल को बाबरी केस लड़ने से रोका। ओवैसी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए, कांग्रेस ने रैली को रद्द करने के लिए 25 लाख रुपए का ऑफर दिया। ओवैसी का आरोप, आदिलाबाद जिले के निर्मल विधानसभा क्षेत्र में रैली न करने के लिए दिया गया मुझे ऑफर। आर्म्स एक्ट में फरार चल रही नीतीश के पूर्व मंत्री मंजू वर्मा का अदालत में सरेंडर, चेहरा छिपाकर अदालत पहुंची। पुलिस से बचने के लिए ऑटो में सवार होकर पहुंची मंत्री, रह रहकर हो रही थी बेहोश। बेगूसराय में मंझौला अनुमंडल कोर्ट में मंजू वर्मा ने किया सरेंडर, 14 दिन की न्यायिक हिरासत। बिहार पुलिस के गुर्गी जब्ती की कार्रवाई के बाद आनंद फारवन ने मंजू वर्मा ने कर दिया सरेंडर। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में ब्रजेश ठाकुर की राजदार मंजू वर्मा ने सीबीआई के सामने किया सरेंडर। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर हमला, कहा राम मंदिर निर्माण की बात सिर्फ एक जुमला। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बड़ा ऐलान, कहा व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ने की नहीं इच्छा। झाबुआ में कांग्रेस का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, हमने जो काम 4 साल में किया उसे कांग्रेस में 10 साल लगते। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी लागू करने की बताई नई वजह, बोले कांग्रेस के समय फैले भ्रष्टाचार की वजह से नोटबंदी का फैसला लिया। मिजोरम के चंपई में राहुल का हमला, बोले चुनाव हार रही है बीजेपी, मिजोरम के साथ साथ लोकसभा चुनाव में मिलेगी हार। दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम, बोलोफाम में सब इंस्पेक्टर का हत्यारा, आतंकवादी दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों से मुठभेड़, मारे गए 4 आतंकवादी, 1 जवान घायल, 3। पुंछ सीमा पर तनाव, पाकिस्तान ने किया उल्लंघन, सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर गिरे मोर्टार, सभी स्कूल कॉलेज किए गए बंद। अनंतनाग में हुर्रियत नेता हाफिज उल्लाह अमीर को मारी गई गोली, हुई मौत। महाराष्ट्र के वर्धा में विस्फोटक को डिफ्यूज करते वक्त सेना के हथियार डिपो में बड़ा धमाका, 6 की मौत, 4 घायल। महाराष्ट्र सरकार ने आर्मी डिपो धमाके, मारे गए लोगों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे देने का ऐलान किया, घायलों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। यूपी के मथुरा में प्लेटफॉर्म रेलवे ट्रैक के बीच गिर गई बच्ची, बाल बाल बची जान, ट्रेन से उतरकर भीड़ की धक्का मुक्की में माँ के हाथों से फिसल गई बच्ची, माँ का रो रो कर बुरा हाल। मुंबई में सरेआम मॉडल के साथ गाली गलौज करते हुए 2 लोगों का वीडियो वायरल। हरियाणा के फतेहाबाद में कार छीनने की कोशिश नाकाम, ड्राइवर ने भाग कर बचाई अपनी जान। यूपी के हापुड़ में रफ्तार का घर, कार खाई में गिरी, 3 की मौके पर मौत। अलीगढ़ में बीजेपी के नेता के बेटे की गोली मारकर हत्या, डीजे बंद कराने को लेकर विवाद। कानपुर में महिला कांस्टेबल की बेरहमी से हत्या, अवैध संबंध के चलते हुई हत्या। यूपी के हरदोई में 2 घरों में 1 लाख रुपए की लूट, लाखों का माल अलग से ले उड़े चोर। यूपी के ललितपुर में फर्जी पुलिस वाला गिरफ्तार, चोरी का सामान भी बरामद। उत्तर प्रदेश के मेरठ में दारोगा पर लड़की को घर से निकालने का आरोप, जालसाजी और रेप का भी केस दर्ज। यूपी के शाहजहांपुर में वर्दी शर्मसार व्यापारी का अपहरण करके 50 लाख रुपए लूटने की कोशिश। संभल में डीजे बजाने के लिए खूनी संघर्ष में 2 पक्षों के बीच फायरिंग, 5 लोग घायल। यूपी के कन्नौज में पहाड़ा नहीं सुनाने पर टीचर ने 10 साल की छात्रा को बुरी तरह से पीटा, बच्ची की मौत। महोबा में उधार न देने पर गुंडागर्दी, दबंगों ने। वाराणसी में राम मंदिर पर विवादित पोस्टर जारी करना, शिवसेना नेताओं को भारी पड़ा, कई गिरफ्तार किए गए। मुजफ्फरनगर लोअर कोर्ट ने 7 लोगों को सुनाई फांसी की सजा, वॉलीबॉल खेलने के दौरान युवक की हत्या हुई थी। लखनऊ एक्सप्रेस वे पर डिवाइडर से टकराई इनोवा, हाथरस विधायक के पीएसओ और ड्राइवर को गंभीर चोटें। महोबा में वकील की गिरफ्तारी के विरोध में बवाल, वकीलों ने एसडीएम का किया घेराव। हरदोई में दर्दनाक हादसा, गंगा में डूबे 3 बच्चे, परिवार में कोहराम।
लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।